उसका इजाज की बात कर दूं कि उसने जिंदगी में कभी थर्ड पोजीशन नहीं ली, 12 साल जिंदगी में थर्ड पोजीशन नहीं ली, सेकंड फर्स्ट ही रही। अब वसाइल की कमी थी, वसाइल की कमी थी, मादूद वसाइल नहीं सबके, तो मेरा ख्याल था कि इस बच्ची के लिए क्या किया जाए। तो मैं जनरल डायरा सब साहब के पास हाजिरी दी, उन्हें कहा कि सर हमारी एक बच्ची बहुत काबिल है लेकिन वो फीस नहीं दे सकती। तो जनसम ने कहा अगर आपकी ये बच्ची, टेट कॉलेज की बात करूं जज्जा की, अगर ये बच्ची इस काबिल है, ये बेटी आपकी इस काबिल है, तो ये आपकी बेटी भी है तो हमारी भी बेटी है। और मोतिया ने इस साल आठवीं का इम्तहान देने के साथ क्रेडिट कॉलेज में टेस्ट पास किया, उसमें फर्स्ट पोजिशन हासिल की। तो हम अपने बच्चों को जाने के बाद भी साथ रखते हैं, कमल करते हैं, 5 साल इनका स्कूल लाइफ है, तो इन्होंने भी कोई छुट्टी नहीं की। आगे मैं बुलाता हूँ अब्दुल्ला अख्तर। अब्दुल्ला अख्तर ये मिसाल आज साल मेरे मोहतरम दूसरों को जरूर दीजिएगा कि शख्सियत के बच्चे ये भी करते हैं। और ये दिन की बात तो नहीं है ना कि मैंने ये अच्छा काम कर लिया, आज मैंने बड़ा अच्छा काम कर लिया, नहीं, ये मोतिया के लिए बहुत सारी कहते मोतिया कई कार्य में यहाँ पे एजुकेटर्स के एबीसी बहुत से अच्छे स्कूलों के बच्चे टेस्ट देने आए और उसमें इस बच्ची ने माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की, बहुत सारा प्यार किया। बस ये आगे चलते हैं, आप देखें कि ये क्या इनके चेहरे बताते हैं। ये बताते हैं हम ये ऐसा करते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। अब तो ये आलम भी हो गया है कि अगर बच्चा आधी छुट्टी भी करता है, आधी छुट्टी भी करता है, करनी पड़ती है तो वो सोचता है। तो एक मैं वालदैन से कह दूं, एक वालदैन मेरे को सिफारिश लेके आए पिछले दिनों, ये बहुत बुखार था ना जी, आधी छुट्टी की है, तो इसे आप छूट दें कि भाई ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम स्कूल वाले ऐसा झूठ मूठ काम कर दें, नेवर, कभी नहीं होगा। यही काफी है कि उन्होंने आधी छुट्टी की है, बुखार में की, जैसे की है, आगे वो नहीं करेंगे। लेकिन रिकॉर्ड में अगर बीमारी से छुट्टी की, जैसे भी की है, क्या है कि वो रिकॉर्ड में शामिल है कि उन्होंने आधी छुट्टी की है। रेवड़ियों की तरफ बांटना शुरू कर दे, बात नहीं बनती ना, ये हकायक है। अगला नाम मैं लूंगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चों में एक हमारा शहजादा वासिफ अली। ये वो बच्चे भी हैं जो कुछ करे किए उन्होंने आपके सामने, वासिफ अली ये लीडर है हमारे, मेरी पेशन वही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस बच्चे के बारे में कहा ये ऐसा करेगा, उसने ऐसा किया, तो ये हमारे मुस्तकबिल संवारने के लिए तैयार बैठे हैं और इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल यही बच्चे संवारेंगे। आगे नंबर अमरीन, ये क्या नाम है, नरमीन अकरम। जहां तक बात होती है ना स्कूल के इफ्ताह की, बड़ी बड़ी शख्सियात से इफ्ताह होता है, तो मैंने इस ब्रांच का इफ्ताह इस बच्चे से कराया था। क्यों कि इसने छुट्टी जो कभी नहीं की, ये हकदार है स्कूल का इफ्ताह करे आके ब्रांच का, तो हम इन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, जुबानी कलामी नहीं अमलन, और इंशाल्लाह हम इनके लिए बहुत कुछ करते हैं, करते रहेंगे। आगे कोमल अनायत है, कोमल अनायत आए बेटा, इनके लिए भी उपस्थित रहते हैं। मैं बुलाता हूं समीउल्ला, और इसी तरह इमादुर रहमान, इमादुर रहमान के साथ है फाइका गुल रहमान। आगे मैं बुलाऊंगा अलीना सिद्दीका, आखिरी नाम ईमान, ईमान, ईमान फातिमा, ईमान फातिमा। ये आपके वो लीडर हैं, वो शख्सियात हैं जिन्होंने हमारे इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो आपको यकीन होना चाहिए। अब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बच्चों के लिए अपनी मुआवजा पेश करें। ऊंचा करें बेटा, ये वासिफ है, ऊंचा कर दे बेटा से, वासिफ, ये वासिफ है ना, इसमें एक जन्नत भी मौजूद है। इन्होंने ये कहते हैं हम इस हालत में भी छुट्टी नहीं करते, इस पोजिशन में भी इनकी आंख सूख जाए, जख्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जज्बे की बात हो रही है, एक जज्बे की बात है। आर्मी
नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।